हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट मनी टीचिंग। एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTF के बारे में, हाउ टू फोरकास्ट। तो मैंने कुछ करेंसी पेयर्स को एनालिसिस किया है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आने वाले वीक में हमें किस तरीके से उनमें अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। वीडियो के एंड में मैं गोल्ड का एनालिसिस शेयर करूंगी, तो अगर आपको गोल्ड का एनालिसिस जानना है तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आगे आने वाले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो फर्स्ट करेंसी पेयर है NZD USD। तो लेट्स चेक हायर टाइम फ्रेम। तो ये डेली टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे अगर हम बैकवर्ड से देखेंगे तो मार्केट वाज डाउन ट्रेंड। ओके, एंड यहाँ पे से मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, इस लो को मार्केट नीचे ब्रेक नहीं कर रहा है और यहाँ से मार्केट वापस ऊपर गया। ओके, नीचे लो ब्रेक नहीं हुआ तो इट इज शोविंग कि सेलर्स आर वीक। ओके, अभी साथ के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ ये हाई भी ब्रेक नहीं हो रहा है। ओके, तो अगर हम ज्यादा बैकवर्ड देखेंगे ना तो इट विल क्रिएट कंफ्यूजन कि बायर पावरफुल है या सेलर्स पावरफुल है। तो हम करंट में देखें तो करंटली यहाँ पे देखो डाउन ट्रेंड क्रिएट हो रहा है। ओके, तो करंट के स्ट्रक्चर पे फोकस करना है। तो करंट के स्ट्रक्चर पे हम फोकस करें तो यहाँ पे देखो क्लियर एक डाउन ट्रेंड क्रिएट हुआ है। और यहाँ पे हम करंट में स्ट्रक्चर मैपिंग करें, सो यहाँ पे दिस इज एन वैलिड लो और इस हाईनेस वैलिड लो को ब्रेक किया, फिर ये लो इसने IDM ग्रैब कर लिया तो ये वैलिड लो बन गया। ओके, तो ये वैलिड हाई हो गया और ये वैलिड लो हो गया। तो अभी हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं, और अगर हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करें ना एक्सट्रीम का तो ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक बनता है। तो जो मार्केट है वो हमारे डेली टाइम फ्रेम के एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे है। तो ऑफ कोर्स हम यहाँ पे कंफर्मेशन ले सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम, अगर मार्केट हमारे एरिया में आ चुका है तो हम यहाँ पे 1 आवर में कंफर्मेशन देख सकते हैं। तो चलिए 1 आवर में लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मार्केट ने इस एरिया में टैप किया, नीचे की तरफ हमें CHOCH मिला है। तो यहाँ पे देखो माइनर CHOCH। ओके, CHOCH मिला है और यहाँ पे ये IDM भी बना था, मार्केट ने IDM ग्रैब किया, इस एरिया में टैप किया और नीचे वापस से ब्रेक किया। तो यहाँ पे फिर कंटिन्यूअस नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मिल रहे हैं। तो हायर टाइम फ्रेम के एरिया में जाने के बाद 1 आवर में मार्केट की डायरेक्शन भी डाउन ट्रेंड हो गई है। तो हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं फॉर सेल। ओके, तो अगर हम करंट का स्ट्रक्चर देखें तो करंट में अगर हम 1 आवर में मैपिंग करेंगे ना, सो यहाँ पे देखिए क्या हुआ था, यहाँ पे इस लो ने IDM, ये वाला IDM उसको ग्रैब किया तो ये वैलिड लो बन गया और इस हाई ने नीचे जा करके इस लो को ब्रेक कर दिया। ओके, तो ये हाई वैलिड हाई बन गया, फिर यहाँ पे वापस से ये लो बना था और इसने IDM को सिर्फ स्वीप किया। ओके, तो IDM सिर्फ स्वीप हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम एरिया भी देखें ना, तो इस लो ने जैसे IDM ग्रैब कर लिया, तो अगर हम ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर सिर्फ यही एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, दिस वन। ओके, और ऊपर के सब ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड है। ओके, तो ये हमारा एज ए एक्सट्रीम और डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा इस हाई और इस लो के बीच में। ओके, अभी यहाँ पे जैसे कि इस लो ने सिर्फ IDM को स्वीप किया है और मार्केट ने वापस से नीचे जाकर के ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, या तो मार्केट और ऊपर रिटेस्ट करे, क्योंकि जैसे कि IDM सिर्फ स्वीप हुआ है ना तो मार्केट जा सकता है ऊपर और रिटेस्ट करने। अगर IDM के ऊपर कैंडल क्लोज होता ना तो मैं इसको वैलिड लो मानती और फिर वैलिड हाई वैलिड लो नए मार्क करती मैं। ओके, बट यहाँ पे IDM स्वीप ही हुआ है तो अभी भी मार्केट ऊपर जा सकता है, ऊपर के जो ऑर्डर ब्लॉक है उस पे। तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, फर्स्ट यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल सकती है लोअर टाइम फ्रेम। अगर यहाँ पे 15 मिनट में कंफर्मेशन मिल रही है तो फिर ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है, और अगर यहाँ पे 15 मिनट में कोई भी लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन नहीं मिल रही है, CHOCH इंड्यूस में नहीं मिल रहा है, तो मार्केट ऊपर आ सकता है ऊपर के एरियाज में रीटेस्ट करने। ओके, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन, अभी तो यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। ओके, यहाँ पे भी मार्केट ये सब इंटरनल स्ट्रक्चर ही बना रहा है, तो यहाँ पे वेट करना पड़ेगा और कंफर्मेशन मिलती है तो उसके बेस पे हम देख सकते हैं।
कि मार्केट क्या करेगा। ओके तो एनजेडी यूएसडी का ये एनालिसिस है। नेक्स्ट करेंसी पेयर है जीबीपी कैड। तो अगर हम हायर टाइम फ्रेम देखें, ये है वीकली टाइम फ्रेम, और जैसे कि आप सबको पता है जो जीबीपी कैड है ना, वो हायर टाइम फ्रेम के एक सप्लाई जोन पे है, वीकली टाइम फ्रेम के एक रेजिस्टेंस के पास में, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था और मार्केट वापस से वहां पे आ चुका है, तो कह सकते हैं मार्केट डाउन जा सकता है, और यहाँ से मार्केट डाउन जाने के साइन भी दे रहा है। डेली टाइम फ्रेम में नीचे की तरफ एक बिग ब्रेक हुए हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी बैरिश कैंडल बनी है, सीधा सेल मूव आया है। ओके तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है, जैसे वीकली टाइम फ्रेम के उस जोन में टैप किया नीचे की तरफ, डेली टाइम फ्रेम में CHOCH मिला। ओके और अगर हम देखें तो मार्केट अभी रिटेस्ट कर चुका है, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम की एक अनमिटिगेटेड शेडो थी। ओके तो वहां पे मार्केट अभी रिटेस्ट कर चुका है, और यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद अभी लोअर टाइम फ्रेम में भी नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड मूव हमें देखने को मिल रहा है। तो लेट्स सी हियर, तो यहाँ पे देखो डेली टाइम फ्रेम के उस जोन में जाने के बाद 1 आवर में एक क्लियर डाउन ट्रेंड क्रिएट हो रहा है। तो वीकली, डेली एंड 1 आवर तीनों की डायरेक्शन अलाइनमेंट में है। तो अगर हम 1 आवर का करंट स्ट्रक्चर मार्क करें, तो यहाँ पे देखो ये लो है, इट्स एन वैलिड लो, क्योंकि इसने अपने से प्रीवियस वाले पुलबैक आईडीएम को ग्रैब कर लिया है। ओके फिर ये हाई बना और इसने इस लो को ब्रेक कर दिया, तो ये हाई बन गया वैलिड हाई। अभी मार्केट ने ये लो बनाया और इसने भी आईडीएम को ग्रैब कर लिया, तो ये लो बन गया वैलिड लो। तो वैलिड लो एंड वैलिड हाई बन चुके हैं, अभी हम ऑर्डर ब्लॉक बना सकते हैं। तो आईडीएम से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने की इम्पोर्टेंस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रैब हो चुका है ऑलमोस्ट। ओके तो हम सीधा एक्सट्रीम मार्क कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक्सट्रीम पे है। तो अगर हम देखें तो इसको मैं अच्छे से जूम इन करके दिखाती हूँ, अभी इसके नीचे की हम ये वाली बुलिश कैंडल को मेन ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। ओके दिस वन, तो मैंने ये पूरा का पूरा हाई तक मार्क ही कर रखा है इसको। ओके मेन ओबी है ये वाली बुलिश कैंडल। ओके तो ये हो जाएगा हमारा एक्सट्रीम एरिया, और मार्केट हमारे एक्सट्रीम जोन में आ चुका है। ओके तो 1 आवर के एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट है, ऑलरेडी एक्सट्रीम जोन के अंदर है, तो अभी हम कंफर्मेशन ले सकते हैं इन 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे हमें CHOCH इंड्यूसमेंट का वेट करना है। ओके और अगर कंफर्मेशन मिलती है तो हम अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, अभी यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है। ओके और अगर मार्केट बिना कंफर्मेशन दिए ऊपर ब्रेक करने लग जाए, तो वो साइन है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ओके तो लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन हमें बता देगी कि हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा या नहीं करेगा। ओके तो वी नीड टू वेट फॉर लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। ओके तो ये है जीबीपी कैड का एनालिसिस। तो यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड कर सकता है, तो मेक श्योर यू फोकस ऑन दिस करेंसी पेयर। नेक्स्ट करेंसी पेयर है यूरो JPY। तो इसमें पहले हम हायर टाइम फ्रेम चेक करेंगे, तो लेट्स गो इन डेली टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे क्या हुआ है देखिए, यहाँ पे मार्केट इज ऑल ओवर अप ट्रेंड, मार्केट पूरा अप ट्रेंड कर रहा है। और अगर हम करंट में देखें तो यहाँ पे ये हाई बना था, इट्स इनवैलिड हाई, इसने आईडीएम को ग्रैब किया। ओके फिर ये लो बना, इसने ऊपर जाकर के वैलिड हाई को ब्रेक कर दिया, तो ये लो वैलिड लो बन गया। फिर ये हाई बना और इसने भी इंड्यूसमेंट को ग्रैब कर लिया, तो ये हाई वैलिड हाई बन गया। तो ये हो गया वैलिड लो एंड ये हो गया वैलिड हाई। अभी मार्केट ने आकर के हमारे वैलिड लो को ही स्वीप कर दिया है। ओके और ये डेली टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है। तो अगर हमारा वैलिड लो स्वीप हो रहा है, तो मार्केट ऊपर जा सकता है, उसके बेस पे हम अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ओके तो अभी हमें लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेना होगा। तो अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में चलें, तो देखिए यहाँ पे हमें CHOCH मिला था, तो डेली टाइम फ्रेम का वैलिड जो लो है उसको स्वीप करने के बाद 1 आवर में हमें यहाँ पे एक माइनर CHOCH मिला। ओके माइनर CHOCH मिला, मार्केट ने रीटेस्ट किया और फिर वापस से ब्रेक कर दिया। ओके एंड देन अगेन रीटेस्ट हुआ अच्छे से, एंड फिर वापस से अभी दोबारा ब्रेक मिला है। ओके तो अभी हम नया स्ट्रक्चर मार्क कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस CHOCH तो ऑलरेडी हो चुका है, और यहाँ पे कंटिन्यूस ऊपर ब्रेक मिल रहे हैं। ओके बार बार ऊपर ब्रेक मिल रहा है हाई का, तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि मार्केट ऊपर बार बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा है, तो इट्स अ साइन कि बायर्स आर स्ट्रॉन्ग। तो हम नया मैपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो हाई है ना, इट्स अनवैलिड हाई,
यहाँ पे आईडीएम ग्रैब हुआ है, ओके, दिस वैलिड पुलबैक यहाँ पे नीचे की तरफ ग्रैब किया है मार्केट में आकर के, तो ये है वैलिड हाई है, और फिर इस लो ने ऊपर जाकर के इस वैलिड हाई को ब्रेक कर दिया है, ओके। यहाँ पे बहुत माइनर कैंडल क्लोजिंग हो रहा है, बट हो रहा है तो उसको हम मान सकते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो उसके बेस पे अगर हम मार्किंग करें तो इस हाई से प्रीवियस वैलिड पुल बैक ये हो जाएगा इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे ये वाली बुलिश कैंडल बन रही है, ओके। एंड एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा वैलिड लो के पास में, तो यहाँ पे पहले हम ये बैरिश कैंडल लेते हो अभी, ओके, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। सो यहाँ पे पहले हम ये बैरिश कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करते हैं, इसके आगे की सब इनसाइड कैंडल्स है, ऑफ कोर्स उसे नहीं लेना है। तो इसके आगे वाली कैंडल है ना, ये वाली स्मॉल बुलिश कैंडल, इसके पास इम्बैलेंस है, ओके, इट हैज इम्बैलेंस लाइक दिस, माइनर इम्बैलेंस है बट है, तो हम ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सट्रीम जोन, ओके। अभी मार्केट ने क्या किया है, आईडीएम को स्वीप किया है, बट 15 मिनट में यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिली है, कोई सीएचओ सीएस नहीं मिला है, तो ऑफ कोर्स हम उसके बेस पे नहीं देख सकते, तो मतलब मार्केट नीचे रीटेस्ट कर सकता है, तो हमें इसमें अच्छे से रीटेस्ट होने का वेट करना है, एंड फिर हम लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन देख करके अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, ओके। तो यूरो जेपीवाई में क्लियर स्ट्रक्चर बन रहा है, तो वी कैन फोकस ऑन दिस करेंसी पेयर, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट करेंसी पेयर है गोल्ड, तो गोल्ड में अभी भी सेम ही सिनेरियो है प्रीवियस जैसा, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो यहाँ पे प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप हुआ था हायर टाइम फ्रेम में, ओके, एंड देन फिर नीचे की तरफ सीएचओ सीएच मिला, ओके, इसकी बात हम प्रीवियस वीक से कर ही रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे मैंने 4 आवर का ये एरिया मार्क कर रखा था और मार्केट ने इसमें रिटेस्ट कर लिया है, ओके, ऑलमोस्ट। उसके बेस पे जैसे मार्केट ने इसमें रिटेस्ट किया, 1 आवर में यहाँ पे कंफर्मेशन भी मिली है, तो यहाँ पे सीएचओ सीएच मिला था, तो हमने प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क किए थे, तो फर्स्ट ओ भी था ये वाला, ओके, दिस वन, एंड एक्सट्रीम पे था ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, हमारे फर्स्ट हॉबी को स्वीप किया, बाद में वापस से स्वीप किया एंड फिर नीचे आ गया, ओके। तो यहाँ पे इस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। अभी यहाँ पे आईडीएम ग्रैब कर दिया, तो ये लो वैलिड लो बन गया और ये हाई वैलिड हाई, क्योंकि इसने नीचे जाकर के इस लो को ब्रेक कर दिया, तो अभी हमें नए एरियाज मार्क करने हैं उसके हिसाब से। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लो बन रहा है, बट उससे प्रीवियस यहाँ पे ये लो बना था, ये वाली जो बुलिश कैंडल है ये लो बना रही है, तो इससे प्रीवियस ये वैलिड पुल बैक बन रहा है, तो ये पहले ही आईडीएम बन चुका है, और आईडीएम को फिर मार्केट ने स्वीप किया एंड वापस नीचे जाकर के स्वीप कर रहा है लो को, फिर ऊपर आकर के इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ज्यादा अच्छे से स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, अभी नीचे की तरफ कोई कैंडल क्लोज करके ब्रेकिंग भी नहीं हुआ है, तो यहाँ पे अभी मैं रिकमेंड नहीं करने वाली कोई ट्रेडिंग यहाँ पे फॉर श्योर। यहाँ पे अगर कंफर्मेशन भी मिल रहा है ना, तो आप अपने रिस्क पे अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, इट्स गोना बी योर ओन चॉइस, ओके। पर्सनली यहाँ पे जिस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है, अभी नीचे की तरफ लो स्वीप हुआ एंड मार्केट अभी एरिया पे टैप किया है, तो नीचे लो स्वीप हो रहा है तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो वेट फॉर क्लियर स्ट्रक्चर, अगर यहाँ पे वापस से ब्रेक मिलता है तो देख सकते हैं अपॉर्चुनिटी, ओके। तो हमें यहाँ पे केयरफुली देखना है चीजों को, पर्सनली जैसे मैं लास्ट वीक से कहते आ रही हूँ, जब तक मार्केट इस स्ट्रक्चर से बाहर नहीं निकल जाता, यहाँ पे इस हाई एंड लो से बाहर नहीं निकल जाता, तब तक यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी देखना मे बी रिस्की, ओके। वी कैन वेट फॉर क्लियर स्ट्रक्चर। तो ये है गोल्ड का एनालिसिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक। कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे गाइज, लेट्स बिकम 1% टुगेदर।